रहने वाला ये शख्स किस तरह तड़प तड़प कर कर रहा है अपने बेटे का इंतजार। उसने बताया कि किसी के झांसे में आकर उसने अपने बेटे को काम करने के लिए गैर मुल्क में भेज दिया था। 19 महीने बीत जाने के बाद भी उसके जिगर का टुकड़ा नहीं लौटा। उसका रो रो कर बुरा हाल है। बेटे के गम में गमगीन बेटे को ले जाने वाले शख्स की तलाश में कर रहा है कि उसके बेटे के खैर की खबर उसे मिल जाए। वहीं उसके आने की उम्मीद पर उसने एक तहरीर थाने में दी है। इंडिया 24 टीवी न्यूज के लिए नौनोता से फैयाज अली की रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल मालिक है। पापा पिता का नाम आपके? हाजी शरीफ। लड़के का क्या नाम है आपके? अब्दुल समद। कितने दिन पहले वो गया था? 19 महीने कुछ दिन हो गए, 2-3 रोज। किस देश में भेजा था आपने उसे? डिलीवरी में भेजा था जी। किस मुल्क में भेजा था आपने उसको? सऊदीया में ले गया था जी, बता के। शहर में भी कभी नाम पता है आपको कि शहर में? मुझे तो ना जद्दा बताया था जी, फिर पता लगा तो रियाज में भेज दिया उसे उसने। किसने बताया था? जमील था जी, जमील नाम का, जो ले गया था यहाँ से। 1 लाख रुपए लिए थे जिसने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या घटना घटी थी आपके लड़के के साथ? पहले तो ये था, उन्होंने बताया मैं मजबूर हूँ, कमाने वाला कोई नहीं था, वही बच्चा था। कहने लगे वहाँ इसकी नौकरी लगवा दूँ, 1 लाख का कहीं से इंतजाम करो। मैंने उधार सुधार करके दिए। मैंने कहा भाई जिम्मेदारी तेरी है, कल वो कोई दिक्कत हो। फिर उसके बाद मेरे लड़के का कोई फ़ोन नहीं आया जब वो ले गया यहाँ से। पढ़ा लिखा तो मैं हो नहीं समझता कुछ। तो वहाँ जाने के बाद में 4 महीने जाने के बाद उसने बात करी मेरे से कि कफील नहीं कर रहा भाई, तेरे पर डिलीवरी सही नहीं होती, बाहर भेज दो। मैं कहा भाई कफील कौन है, उससे बात करवा, जमील से जो ले गया था। तो जमील ने हमारे से कोई बात नहीं करी। लड़के ने बताया कि वो कह रहा है 4 महीने तनख्वाह देना, 4 महीने बाद दूंगा। मगर चलो 4 महीने बाद दे देगा। अच्छा, आपके लड़के से बात हुई? कितने महीने तक हुई? 4 महीने बाद हुई, उस पर मोबाइल नहीं था। यहाँ से जाने के बाद 4 महीने बाद हुई। कितने महीने हो गए आपके लड़के को? 19 महीने हो गए पूरे। फिर कफील ने क्या बताया या जमील ने? जमील ने हमारे से कोई बात नहीं करी। जमील ने तो हमारे से कोई जवाब नहीं दिया। उसे पूछा बहुत दफा हमने उसकी बीमारी के बारे में। क्या बताया गया उसकी बीमारी के बारे में? ये हुआ कि अब से 1.25 महीने पहले उसने हमें बताया, एकदम फ़ोन आया उस दिन से। आज तक जब से गया फ़ोन नहीं आया उसका। हमने मिला उसकी बीवी से, कहा हमने जाकर कि हमारे लड़के को वापस भिजवा दो जिस हाल में है। उनने कोई जवाब नहीं दिया हमें। कितनी बार गई मेरी घरवाली, मैं भी गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया हमें कोई भी। उसके बाद में 1 महीना पहले 1.25 महीना पहले उसका फ़ोन आया हमारे पास। 10 तारीख को फ़ोन आया हमारे पास, ये पिछला महीना जो गया। उसमें उसने फ़ोन करके ये बताया मुझे कि लड़के की तबीयत ख़राब थी, उसे अस्पताल में ले गए थे, अब ठीक है। मैंने कहा मेरे लड़के को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? उसने कुछ नहीं बताया। कहने लगा फिर बताऊंगा, हमारे पास नंबर नहीं निकालना आता हूँ। उसके गांव में गए, हमारे पास में जो रामपुर गांव है वहाँ जाकर हमने पता करा, उसके नंबर लिया, फिर उससे बात करी। उसने नंबर नहीं उठाया, उसने नंबर उठाया रात को नंबर उठा के बताया उसने कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अस्पताल ले गए उसे। शाम को हुई थी, अगले दिन शाम को हुई थी बात। उन्होंने कहा कमी तुम्हारी तबीयत ठीक है? फिर कहा हाँ भाई तबीयत ठीक है। उन्होंने कहा अम्मी अब्बू कहाँ गए? तो मैंने कहा नमाज पढ़ने गए, ये बात कही मुझे। तो फिर मैंने कहा हेलो हेलो, उसके कान से फ़ोन हटा लिया उसने कि जिस किसी ने लगा रखा था। तबीयत ख़राब होने के बारे में बताया गया था आपके? नहीं, कोई तबीयत ख़राब नहीं थी उस बच्चे की।